प्रथम पूज गजवदन विनायक जिनके लाल लाडले बालक नर नारीश्वर सांब सदाशिव कृपा करें त्रिभुवन के पालक। महादेव है देव महान कौन देव है इनके समान करके विष का पान सदा शिव करते अमृत दान भजो भई शिव को सब दुख जाए बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महादेव है देव महान कौन देव है के समान कर गए विष का पान सदा शिव करते अमृत दान भजो भई शिव को सब दुख जाए बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे मंगलदेव तुम आओ आओ बेटा आओ अंदर आओ। गंगा अरे ओ गंगा देख तो सही कौन आया है। सब कुशल तो है ना मंगलदेव? पिताजी बहुत बीमार है आपको तुरंत ही बुलाया है। क्या हुआ कब से बीमार है? 10 दिन हो गए उनकी हालत ठीक नहीं है। 10 दिन से और मुझे अब सूचना भेजी है? कौन है पिताजी? बेटी कुलवा से कह दे मेरी घोड़ी जल्दी तैयार करे मुझे आज ही तारानगर जाना है। क्या हुआ पिताजी? मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। 10 दिन से बीमार हैं। मंगलदेव तुम्हारे पिताजी बड़े ज्योतिषी होंगे लेकिन मैं भी कोई कम वैद्य नहीं हूँ। इतने दिन से मुझे सूचना भी नहीं दी। जा बेटी जा जल्दी तैयार करने को बोल। विद्याधर तुम आ गए। तुम लोग बाहर जाओ। बेटा मंगल तुम ठहरो। विद्याधर अब मेरा समय आ गया। अगर तुम ना आते तो सर्वनाश हो जाता। विद्याधर मेरे गुरु भाई मैंने तुम्हें वचन दिया था कि अगर तुम्हारी पुत्री हुई तो मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगा। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो कि अब तक मंगल और गंगा का विवाह क्यों टालता रहा। मंगलदेव बेटा जरा ध्यान से सुनो। विद्याधर
जब मैंने गंगा की कुंडली बनाई तो देखा कि गंगा एक बहुत बड़ी अशुभ घड़ी में पैदा हुई है। जो भी लड़का उसके साथ विवाह करेगा वह 5 साल के भीतर मर जाएगा और गंगा विधवा हो जाएगी। हे भगवान, कैसा धर्म संकट। पिताजी, भाग्य की रेखा तो आप भी नहीं बदल सकते। विवाह तो मैं गंगा के साथ ही करूंगा। बेटा, तुम अपनी आत्मा से कह रहे हो? हाँ पिताजी, आपका दिया हुआ वचन मैं निभाऊंगा। गंगा जैसी पत्नी पाकर मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बेटा, तुम धन्य हो, मुझे तुमसे यही आशा थी, यही आशा थी, यही आशा थी, यही बाबा। हाँ बेटी। क्या आप मेरे लिए चिंतित है बाबा? तू तो जानती है बेटी कि मंगल के पिता से बढ़कर और कोई बड़ा ज्योतिषी नहीं है। तेरी कुंडली उन्होंने ही बनाई थी। मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि शादी के 5 साल के अंदर अंदर ही तू विधवा हो जाएगी। बाबा, क्या मंगलदेव को यह मालूम है? हाँ बेटी। तो क्या उन्होंने मुझसे विवाह करने से इनकार कर दिया? नहीं बेटी, उसने कहा कि वो शादी करेगा तो तुमसे ही करेगा, वरना कुंवारा रहेगा। तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? ऐसा दामाद पाकर क्या आप गौरव का अनुभव नहीं करते? मैं तो उन्हें पाकर धन्य हो जाऊंगी। बेटी, तू मेरी इकलौती बेटी है, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। तेरा पिता भी मैं हूं और तेरी माँ भी, लेकिन तेरा सुहाग 5 साल में। बाबा, क्या सभी स्त्रियां अखंड सुहागन होती हैं? क्या विधवा होने के डर से पिता अपनी पुत्रियों को कुंवारी रखेंगे? भाग्य में जो लिखा है बाबा, उसे कौन मिटा सकता है? तुम ठीक कहती हो बेटी, लेकिन जीवित मक्खी भी तो नहीं निकली जाती। बाबा, आपने मुझे महादेव को समर्पित किया है। मैं छोटी मुंह बड़ी बात तो नहीं करती, लेकिन अगर मेरी शिव भक्ति में शक्ति है तो भाग्य की रेखा भी बदल सकती है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और विवाह का संदेशा भिजवा दीजिए। हाँ बेटी, संदेशा भिजवा देता हूं। और मैं भी कैसा पागल हूं, आखिर एक न एक दिन तो तुझे पराई होना ही है। लेकिन बेटी, अब मैं अधिक नहीं जीऊंगा। एक बार, सिर्फ एक बार, जब मैं बुलाऊं तो आ जाना। ओम नमः शिवाय।
और इधर आप आंखें बंद कर ले तो क्या हम भी आंखें बंद कर ले? मैं समझा नहीं मुनिराज। यह विवाह रोक दीजिए। कौन सा विवाह मुनिराज? यह गंगा कौन है जिसने आपको चुनौती दी है, यमराज को चुनौती दी है, अपने आप को चुनौती दी है? गंगा का विवाह मुनिराज ये तो एक शुभ विवाह है। गंगा एक महान सती है। सती? और इस घोर कलयुग में? आपको विश्वास न हो तो परीक्षा ले ले। ले लूं परीक्षा? आपकी अनुमति है? अनुमति ही नहीं मुनिराज, मेरी तो इच्छा है कि आप परीक्षा लें। तो मैं जाता हूं। नारायण। आया है, सुहाग आया है। फूलो फूलो बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। ये चाबियां आज से तुम ही ये घर संभालो। अरे मंगल, खड़ा खड़ा देखता क्या है? जा बहू को अंदर ले जा, थक गई होगी बेचारी। ये तुमने क्या किया मां? आते ही घर की चाबियां सौंप दी। बेटी यही तो अपने घर की रीत है। बहू कितनी सुंदर है, सचमुच गंगा है गंगा। इतनी जल्दी गुण में बखानो माँ, जरा देख तो लो। क्या नाम है तुम्हारा? शंकर। मामी हाँ? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम भी मुझे बहुत प्यारे लगते हो। आपने मुझे याद किया मुनिराज। हाँ कुटिला, आज तुम्हें एक शुभ कार्य करना है। गंगा की सास है ना,
पार्वती मंगलदेव की माँ, जाओ और उसके शरीर में प्रवेश करो। जो आज्ञा मुनिराज। बहू को नहीं देनी थी, बहू के हाथ में एक गठरी थी ना। हाँ माँ, उसमें जरूर गहने होंगे। उसके बाप के पास धन की कोई कमी तो है नहीं, बेटी को यूं ही थोड़ी भेज दिया होगा। चल देखे भाभी, पीहर से दहेज में क्या लाई हो, जरा हमें भी तो बताओ। हे राम, सत्यानाश जाए तेरा, ये दहेज लाई है, इससे क्या मैं अपना सर फोड़ू? अरे मैं पड़ोसियों को मुंह क्या दिखाऊंगी, मेरा एक ही बेटा है, कोई दस बीस नहीं। हे राम, सोचा था घर में लक्ष्मी आएगी तो आ गई है भिखारन। इसमें भाभी का क्या कसूर है माँ, जो बाप ने दिया वो लाई। क्या बात है माँ? अरे बात है तेरा सर, देख तेरी इस महारानी को खाली हाथ चली आई है, जैसे इसके बाप का घर को। और आते ही घर के मालकिन बन बैठी। तुम्हें क्या हो गया है माँ, तुम तो कहा करते थे कि तुम्हें बहू चाहिए, दहेज नहीं। अरे मेरे कहने से क्या होता है, इसके बाप को भी तो लाज शर्म होनी चाहिए या नहीं, भेज दिया बेटी को नंगी भूखी। बस भी करो माँ। क्या मेरे सामने बोलता है? 25 बरस तक मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और एक ही रात में ये तेरी हो गई, और मैं पराई। मैं तो पहले ही कहती थी उस गांव की लड़कियां जादूगरनी होती हैं, और भाभी के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। चुप कर मंगला। चलो माँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, माँ जी और दीदी का अनादर न करें। अरे लक्ष्मी देख, कल से तू काम पे मत आना। हाँ, हमारे घर में जो बहू आई है ना, वो बहुत सारी दास दासियां दहेज में लाई है, सो कल से है तेरी छुट्टी, समझी? ए मीरा भाई, ये मंदिर नहीं घर है, घर। सुबह ही सुबह पूजा करने बैठ गई, अभी तो बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, घर का झाड़ू मारना है, पानी भरना है, ये सब कौन करेगा तेरा बाप? चल सब काम जल्दी करके तैयार हो जा, महंत जी के यहाँ चलना है। क्या कहा माँ? तुम और महंत के यहाँ? तुम तो कहा करती थी महंत बड़ा धूर्त और पाखंडी है। अब मेरे कहने से क्या होता है, इस गांव में रहना है तो गांव के रीति रिवाज मानने ही पड़ेंगे। इस गांव के हर बहू पहले ही दिन महंत जी के दर्शन करती है और आशीर्वाद लेती है। पार्वती तुम और यहाँ? क्षमा करें महंत जी,
इतने साल मेरी मति मारी गई थी, कल रात ही मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। साथ में बहू को लाई हूँ, इसे आशीर्वाद दीजिए। ये तो वैद्य विद्याधर की पुत्री है ना? हाँ महन जी। अच्छा अच्छा, तब तो बहुत बड़ा दहेज लाई होगी। अब क्या बताऊं महन जी, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, दहेज के नाम पर एक शिवलिंग लाई है। शिवलिंग? बहू तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि इस गांव में केवल काली की पूजा होती है। काली भी तो माँ पार्वती का ही अवतार है महन जी। क्षमा करें महन जी, जिस गंगा से मेरे भोले शिव शंकर के चरण धुले, मेरे लिए तो वही चरणामृत है। पार्वती, तुम्हारी बहू बड़ी अज्ञानी है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे घर पर एक काली छाया मंडरा रही है। अशुभ, अब सुकून। कह दो तुम्हारी बहू से वो रोज यहां आकर सेवा करे, वरना तुम्हारे घर में दो नहीं तीन विधवाएं हो जाएगी। अकाल मृत्यु महाकाली। शांत महंत जी, शांत, हम पर कृपा करें। मैं आपको वचन देती हूँ, कल से मेरी बहू हमेशा आपकी सेवा करने आएगी, हमेशा। जाओ भाई।
मतिलिंग में चावल राधू रे जंतर मंतर बांधू रे। ओझा जी कहो बाला, आप बिच्छू का जहर उतारते हैं? हाँ बाला, बिच्छू का, सांप का, जीप का, दिल का, सबका जहर उतारता हूँ। ओझा जी, बिच्छू का जहर उतारने का क्या लेते हो? सिर्फ पात से रनाज। और बिच्छू का जहर नहीं उतारने का क्या लेते हैं? और नहीं उतारने का, और बिच्छू का जहर नहीं उतारने का 10 सेर अनाज। अच्छा मैं जाती हूँ। हाँ जी ठहरो बाला, ये भी लेती जाओ। धन्यवाद। है, सोने देना। बात तो सुन माँ। मैंने आज भाभी की पूजा के कलश में बिच्छू रख दिया है। सच? अभी चुपचाप सो जा, सुबह उठ के मजा देखेंगी। वो तो अच्छा हुआ कि समय पर शंकर वहां पहुंच गया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। ये महंत अपनी मर्यादा से बहुत बाहर निकल चुका है, उसका मठ एक पापाचार का अड्डा बन गया है। मैं चाहता हूं इस गांव में या तो वो रहेगा या मैं। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। वो महंत बहुत ही बुरा आदमी है, न जाने क्या कर बैठे। याद रखिए, मेरा सुहाग आपके हाथ है, आपको मेरी सौगंध है, उस पर आंच ना आने दे। तुम ठीक कहती हो गंगा। Thank you.
तो पहले से ही कहती थी कि ये भाभी जरूर जादू टोना जानती है। देखा ना बिच्छू कैसे गायब हो गया। इसने तो मेरे भाई पर भी जादू कर रखा है और मेरे शंकर पर भी। तेरी बात सच है मंगला। अरे हाँ मंगला, एक काम कर, अपने गांव में वो ओझा आया है ना, ओझा, उसे बुला ला, बहू को दिखा देते हैं। मुझे लगता है जरूर उसके शरीर में कोई भूतनी भूतनी है। ओझा आएगा और उसकी खबर लेगा ना, तब पता चलेगा दाई को। क्यों मर गई? तो वही बिच्छू है, मैं अभी मुझे को बुला के लाते हूँ। मर गई रे, मुझे बचाओ कोई। मुझे दाई, तूने मेरी पान दाने में बिच्छू रखा है, ऊपर से पूछती है क्या हुआ। मुझे अरे दूर हट दाई, तूने मुझे बिच्छू कटवाया। नहीं मजे, अरे तुझे हजार हजार बिच्छू काटे। मजे, ओ वाह मर गई। नहीं मजे, अरे तेरे शरीर में कीड़े पड़े हैं। मजे, अरे तुझे नरक में भी जगह ना मिले। ओझा जी जल्दी चलिए, मेरी माँ को बिच्छू काटा है। 10 सेर अनाज। ओझा जी मैं दे दूंगी, आप चलिए तो सही। 10 सेर अनाज। ओझा जी मेरी माँ मर जाएगी। बिच्छू का जहर नहीं उतारने का, 10 सेर अनाज। ओझा जी मैं आपको 20 सेर अनाज दे दूंगी। 10 सेर अनाज। ओझा जी मैं बिच्छू मेरी भाभी के लिए ले गई थी, वो काटा मेरी माँ को है। 10 सेर अनाज। ओझा जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, चलिए। अच्छा तो आगे से ध्यान रखना। ना ना, चलता हूँ मैं, चलता हूँ बाला, तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। चल दयन, अब जले पर नमक क्यों छिड़क रही है? याद रखना, अगर मैं मर गई ना तो भूत नहीं बनकर आऊंगी और तुझे खा जाऊंगी। ना। अरे अरे माजी, मत रो माजी, दिखाओ कहाँ काटा है बिच्छू ने। क्या काटा? यहाँ पे, अभी उतार देता हूँ। मर गई, ओ मुझे बचा लीजिए ओझा जी। अरे ओझा जी, मेरा बिच्छू तो उतर गया। हाँ? अब इसकी भूतनी उतार दीजिए, इसके शरीर में भूतनी घुसी हुई है। माजी जी, किसके शरीर में भूतनी घुसी हुई है वो तो ना मुझे मालूम है। मगर समय आते ही एक लात मारूंगा तो भाग जाएगी। क्या हुआ माँ? अरे मुझे क्या पूछता है, उस अपनी महारानी से मुझे मारने के लिए पान दाने में बिच्छू रखा था। बिच्छू? नहीं मामा, मैंने माँ झूठ बोलती है, बिच्छू तो मैंने रखा था। चुप रह, हमेशा मामी की तरफदारी करता रहता। अजी तो 10 सेर धान पहुँचा देना घर पे। जी हाँ जी, 10 सेर धान। अच्छा अच्छा, तो मैं चलूँ? हाँ जी चलिए चलिए। आओ पार्वती, आओ मंगला, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं। हाँ महन जी, अब आपको क्या बताऊं, मेरा घर तो नर्क बन गया है नर्क। आपकी कृपा से जीवित हूँ, यही बहुत है। हाँ महन जी, माँ को तो एक मोटा काला बिच्छू काट गया था। वो तो भला हो ओझा जी का, जिन्होंने मुझे बचा लिया। ओझा? कौन है ये ओझा? महाराज, कुछ दिनों से इस गांव में आया है, सांप बिच्छू भूत भूतनी सब उतारता। जा, उसे हमारे सामने उपस्थित करो। जो आज्ञा महाराज। हाँ तो पार्वती, तुम्हें बिच्छू ने काटा या डायन ने डसा? अब आपसे क्या छिपा है महन जी, जब से बहू घर में आई है तब से मेरे घर की तो सुख शांति समाप्त हो चुकी है। और महन जी, भाभी आपकी सेवा में तो सिर्फ एक बार आई थी, उसके बाद जब भी कहो भाभी जाओ तो काटने को दौड़ती है। तुम्हारी बहू बड़ी दुश्चरित्र है। अरे उसे और कोई नहीं मिला जो मुझ पर डोले डालने शुरू कर दिए। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुका हूँ कि तुम्हारी बहू तुम्हारे घर के लिए सर्वनाश लाएगी। आज मैं चोरी कर लूंगी। पिशाचिनी, उल्टा, मेरा ही घर मिला था तुझे पाप मिला के लिए। वो कितने मरद चाहिए तुझे? हाँ कर मिला के तुझे। क्या बात है, क्यों पीट रही है बेचारी को? ये बेचारी हो गई। अरे मुझसे क्या पूछता है, इससे पूछ कितनों के साथ काला वो किया है इसने। माँ इतनी गंदी बात क्यों कर रही है? अच्छा भैया, अब माँ गंदी हो गई और तुम्हारी ये सती सावित्री बड़ी साफ सुथरी, यही ना? चलो माँ, जब भैया कोई फिक्र नहीं तो हमें क्या, जाए गंदी गलियों में खाए बिस्टा हमारी बला दे दो। हमें क्या? ना बाबा ना, छोड़ो अब तो मैं चलता हूँ, अंदर ही तो आ गया। चलो ना, कहिए महाराज। क्यों बे ओझे के बच्चे,
कहां से आया है तू? हिमालय से परे, कैलाश पर्वत से भी परे, दूर बहुत दूर से आया हूँ महाराज। कौन है तेरा गुरु? ना ना ना, मेरा गुरु कोई नहीं महाराज। देख ओझे के बच्चे, एक म्यान में दो तलवारें नहीं टिक सकती, समझे? ना 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 ना, नहीं टिक सकती महाराज, नहीं टिक सकती। देख बे ओझे, जब से तू यहाँ आया है मेरी दुकानदारी उठने लगी है। या तो यहाँ से सीधा चल दे, वरना हाथ पांव तोड़वा दूंगा, समझे? समझ गया महाराज, लेकिन अगर मैं चला गया तो आपके मन की मन में रह जाएगी। हाँ, क्या मतलब? गंगा, पार्वती की बहू, मंगल देव की पत्नी गंगा। मैं समझा नहीं। अच्छा महाराज, तो मैं चलता हूँ। ठहरो, तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैं आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकता हूँ, आपके प्रेम रोग का उपचार कर सकता हूँ, और गंगा को लाकर आपके चरणों में उपस्थित कर सकता हूँ। सच? जी हाँ। कब? अधीर न हो महाराज, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। आहा, क्या सुंदर दृश्य है, ये तो सचमुच इंद्रपुरी है। ओझा, तू आओ बैठो। अब तुमसे क्या छिपाए ओझा, तू तो सब जानता ही है। तूने तो मेरे हृदय में प्रेम की ज्वाला भड़का दी है। वो समय कब आएगा ओझा, जब गंगा मेरी बाहों में होगी? आ गया महाराज, आ गया। ये देखिए, हिमालय में जितनी जड़ी बूटियां हैं, कर्नाटक में जितने चंदन के पेड़ हैं, और सम्राट के उद्यान जितने पुष्प हैं, उन सब के रसों से बनी ये सम्मोहिनी। इसका चमत्कार देखिए महाराज। अरे वाह ओझा वाह, तू तो बड़ा चमत्कारी पुरुष है। ला ला, इसे मुझे दे। मगर इसे क्या करूं, वो कैसे मिलेगी? वो भी मिलेगी महाराज। आप ऐसा कीजिए, अपने नदी किनारे जो जंगल है ना, कल सुबह आप वहां आकर छिप जाइए, और मैं गंगा को लेकर आऊंगा और आपको सौंप दूंगा। सच? ना 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 ना, हाँ महाराज, हाँ। ना 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 ना। अरे ओझा जी, आप यहाँ? देवी, हम तो रहे रमते राम, आपकी शिव भक्ति की तारीफ सुनी थी इसलिए गांव में चला आया, लेकिन राम राम राम, बड़ा पापी गांव है। क्यों, क्या हुआ? आप ही देखो ना देवी, पास में एक शिव मंदिर है, मगर पूजा पाठ करने वाला कोई नहीं। शिव मंदिर? बहुत बड़ा पुराना शिव मंदिर है। पास ही है? बिल्कुल। आप मुझे वहां ले चलेंगे? क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। चलिए। Thank you.
पागल, क्या हुआ महू को? अरे कुछ बोल तो सही। हदूड़ी, अब तो इस दाई ने मेरे बेटे पे भी जादू कर दिया। बेटा माँ को जवाब नहीं देता। राम 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 राम, क्या जमाना आया है। प्रेमियों की हालत देखी नहीं जाती। अबे ओझे के बच्चे, तू कहाँ मर गया था? महाराज, दो प्रेमियों के प्रेम मिलन में मैं क्या करता? अरे भार में जाए तेरा प्रेम मिलन, मेरी तो हड्डी पसली एक हो गई। महाराज, मुझे लगता है गंगा भी कुछ जादू टोना जानती है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं ऐसा वशीकरण मंत्र तैयार करूंगा कि छटपटाती हिरने की तरह गंगा आपके कदमों में आ गिरेगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर, अब तो सो जा, रात भर जागता रहा है। नहीं मामा, जब तक मामी ठीक नहीं होगी मैं नहीं सोऊंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर, शिव का जाप कर रहे थे? तीन दिन से निरंतर जाप कर रहा है तुम्हारे लिए। हाँ मामी, मैंने शिव जी से कह दिया था, अगर मेरी मामी ठीक नहीं आएगी तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। Thank you.
शरण वस गंगा स्वाहा करण शरण वस गंगा स्वाहा करण शरण वस गंगा स्वाहा करण शरण वस गंगा स्वाहा। क्या हुआ गंगा? सपने देखा, भयंकर स्वप्न। ऐसा लगता कोई मेरा तपन कर रहा है, कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला। स्वामी करण शरण वश गंगा स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारे बाल बच्चे कीड़े मकड़ों की तरह मर रहे हैं महाराज। अजय गांव पर बड़ी भारी विपत्ति आ गई, ऐसे बुरे दिन हमने कभी नहीं देखे महाराज। शांत रहो शांत। 4 साल पहले इस गांव में बहू आई, उसका नाम है गंगा। मैं देख रहा हूं वही तुम्हारे बच्चों को खा रही है। वो दायल है, वो बांझ है। जब तक वो बांझ इस गांव में रहेगी, तुम्हारे बाल बच्चे मरते रहेंगे। हम उस बांझ को गांव से बाहर निकलवा देंगे, हम पंचायत बुलाएंगे। यह बात ठीक है, पंच तो परमेश्वर होते हैं, वे अवश्य न्याय करेंगे। गंगा देवी पर दायन होने का अभियोग लगाया है, इससे पहले ट्राय करें हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह समस्या बड़ी गंभीर है। दायन होने का केवल एक ही दंड है, जीवित जला दे। आपको कुछ कहना है? पंचों की आज्ञा सर माथे पर। सरपंच जी, पिछले 4.5 बरस से मैं तो पोते पोती का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ, और गांव में बच्चे मर रहे हैं ये तो आप भी जानते हैं। और जब सारा गांव कह रहा है, वो झूठ थोड़ी हो सकता है।
प्रणाम। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये अभियोग किसने लगाया है? हम लोगों ने। केशव चाचा तुम? क्या भूल गए तुम्हारे भी संतान नहीं है? क्या चाची भी डायन है? सरपंच जी आपकी भी तो कोई संतान नहीं। क्या महंत जी झूठ कहते हैं? सारा गांव जानता है महंत धूर्त पाखंडी व्यभिचारी है। क्या इस नगर की पंचायत महंत के इशारों पर चलेगी? मैं आप सबको याद दिला दूं कि आज से 6 वर्ष पहले इस नगर में इसी तरह की बीमारी आई थी जिसमें सैकड़ों बच्चे मरे। उस वक्त मेरी पत्नी इस गांव में नहीं आई थी, फिर बच्चे क्यों मरे? सरपंच जी आप तो मेरे पिताजी को अच्छी तरह जानते थे, शायद आपकी जन्म पत्री उन्होंने ही बनाई थी। क्या इतना बड़ा ज्योतिषी एक पांच और डायन को अपनी बहू बनाकर घर में लाएगा? तुझे पोते पोतियां चाहिए ना, चिंता ना, थोड़े दिन और रुक जाओ, तेरे पोते पोतियों की कतार लगा दूंगा। सरपंच जी कैसी अजीब बात है, जब किसी के बच्चा नहीं होता है तो सारा दोष बेचारी औरत पर ही डाला जाता है। अगर मेरे संतान नहीं है तो क्या इसकी दोषी अकेली गंगा है? हो सकता है मेरे में दोष हो। संतान होना बांझ होने का प्रमाण नहीं है और बांझ होना डायन होने का प्रमाण नहीं है। गंगा देवी निर्दोष है। इसके घर में शिवलिंग है तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ये पहले ही कह चुका हूं। चल रही मंगला। ये मेरे पिताजी की धरोहर है। अरे चाल हट, पिताजी की मच्छी। अरे पाजी, 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 उस पर दया करो। ये मेरे प्राण है, मेरे परमेश्वर है, इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। चुप कर, मेरे बेटे को तो बेटा देती नहीं और रात दिन इसकी पूजा करती रहती है। चल हट। पाजी, पाजी। मंगला दरवाजा बंद कर दे। पाजी मेरा पीछे, पाजी। ॐ नमः शिवाय। 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 बेटी तेरी तपस्या से स्वर्ग के सभी देवता प्रसन्न हैं।
किंतु महादेव को प्रसन्न करना इतना सरल नहीं। अभी तेरी तपस्या अधूरी है। वो कैसे पूरी होगी मुनिराज? बेटी ध्यान से सुन, आज श्रावण का प्रथम सोमवार है। आज आधी रात को नदी किनारे जाकर शिव का जाप करना और ऐसा ही जाप निरंतर 15 रात तक करना। किंतु सावधान, किसी को मालूम न हो। श्रावण के तीसरे सोमवार की रात एक विमान आएगा और वो तुझे सोमनाथ ले जाएगा और वहां महादेव जी तुझे दर्शन देंगे और तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। कल्याण को। नारायण नारायण। मंगलदेव घर में है? नमस्कार, कहिए। आपके ससुर वैद्य जी बहुत बीमार हैं। आपको और गंगा बिटिया को तुरंत बुलाया है। आप बैठिए, मैं भी आता हूं। कौन था? तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं। हम दोनों को तुरंत ही चल देना चाहिए। एक बार, सिर्फ एक बार, जब मैं बुलाऊं तो आ जाना। अवश्य आऊंगी बाबा, अवश्य आऊंगी। क्या बात है गंगा? स्वामी आप हो आइए, मैं नहीं चल सकूंगी। तुम नहीं चलोगी? स्वामी मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं बेबस हूं, मैं नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। हे भगवान,
ये कैसी परीक्षा है? मेरे पापा बीमार है और मैं जा भी नहीं सकती, मैं क्या करूं? वैद्य जी ज्यादा बीमार है क्या? जी हाँ। उनके बचने की कोई उम्मीद तो नहीं ना? जी कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है मेरा मंगल जब वापस आए तो वो कपड़े लत्ते बर्तन गहने जेवर वो जमीन जायदाद के कागजात सब कुछ भेज देना। माँ मैं जा रहा हूँ। मंगल तू अकेला जा रहा है? बहू तेरे साथ नहीं जा रही? नहीं चले। राम राम राम, क्या जमाना आया है। बहुत ही अच्छा अवसर है, पंछी अकेला है, पति ससुराल में, शिवलिंग पाताल में, आधी रात को तैयार रहिएगा। गंगा नहीं आई। गंगा नहीं आई। गंगा गंगा नहीं आई। गंगा
तेरी बहू का कमाल। मैं भी कहूँ रात को दरवाजा खुला क्यों था, महारानी जी बाहर पधारी थी। मैं भी यही सोचती थी कि इसका बाप बीमार है, फिर भी अपने मायके क्यों नहीं गई? अपने पति को तो मायके भेज दिया और खुद यहाँ रंगरलिया मनाने के लिए रह गई। चल उतर उतर नीचे उतर नीचे उतर, बता बता कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, कौन है तेरा यार? मुझ पर ये कलंक नहीं लगा, ये मैं निर्दोष हूँ। तू और निर्दोष? व्यभिचारी नहीं, पापी नहीं, कलंकी नहीं, कुलटा। आग लगाने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था, पैदा होने से पहले ही मर क्यों नहीं गई? मंगला पकड़ी से कमरे में ले जाके बंद कर देते हैं। सत्यानाश जाए तेरा, न जाने किस घड़ी में पैदा हुई थी। अब तेरा खसम आए तो बता देना कि और भी तेरे कितने खसम है। चल मंगला बंद कर दे। आओ पार्वती, आओ मंगला, सब कुशल तो हो ना? सुना है वैद्य विद्याधर जी बहुत बीमार है, बहू नहीं गई। अब क्या कहूँ मोहन जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी कलंकी नहीं हमारे घर में आएगी, किसको पता था? पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम्हारी बहू बड़ी कुलक्षणी है, अब कोई नई बात हुई क्या? क्या बताऊ मोहन जी, मैं तो शर्म से डूबी जा रही हूँ। बहू रात रात भर घर से बाहर रहती है, कहाँ जाती है, किसके पास जाती है, क्या करती है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। इस गांव में ये पापाचार नहीं चलेगा, तुम्हारी बहू को काबू में रखो, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। शांत मोहन जी शांत, अब मैं उसे नहीं जाने दूंगी, मैंने उसे ताले में बंद कर दिया है, अब वो कहीं नहीं जाएगी मोहन जी, कहीं नहीं जाएगी। वेश्या, 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 व
क्यों कर लगा दिया? तुम्हारे बस की नहीं पार्वती, उस पर तो हम नजर रखेंगे। आज जन्माष्टमी है, गांव में आज रास होगा, तुम बहू को लेकर आना। हो जा, रास रात भर चलना चाहिए, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखता हूं वो आज रात कैसे जाती। बहू जी, मां जी, देखो आज जन्माष्टमी है, सारी रात गांव में रास होगा और सारा गांव आएगा। तुम्हें भी रात मेरे साथ चलना है, तैयार रहना। अवश्य चलूंगी मां जी, ये तो बड़ा ही शुभ दिन है। बाल कृष्ण तो मेरे शिव शंकर के अत्यंत प्रिय है। जसुमती ने जाए हैं लाल लाल शिव के प्यारे, जसुमती ने जाए हैं लाल लाल शिव के प्यारे, मोहिते कंधे कार शिव जी द्वारे। जसुमती ने जाए है लाल लाल शिव के प्यारे। गुजरे गोकुल धाम जसोदा घर आए सुंदर
विशाल इंद्र कुंडल हारे दिया ब्रह्मा ने छत्रु विशाल इंद्र कुंडल हारे बारा सूरज ने ब्रजराज की जय हो जय शंकर नटराज की जय हो जय योगेश्वर नर नारायण विष्णु हृदय में शंभु विराजे शिव मानस में श्री हरि दोहे दो है नहीं हर हरि एक है एक अनेक के मन मोहे राम शंभु के दर्द परत पर बलिहारी जी बलिहारी बोलते क्यों नहीं कैसे हैं पिताजी चल बस है। नहीं क्यों नाटक कर रही हो बहू इस बेचारे को तो ससुराल भेज दिया और खुद यहाँ रंगरलियां मना रही थी क्या बात है माँ माँ से क्या पूछते हो अपनी महारानी से पूछो उसकी करतूतें अरे बेटा जब से तू गया है ना तब से बहू रात रात भर घर से बाहर रहती है कहाँ जाती है क्या करती है किससे मिलती है भगवान जाने अरे बेटा
हम तो गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैंने तो घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया है। किस किस के ताने सुनूं? सत्यानाश कर दिया हमारा बेटा, सत्यानाश। पीढ़ियों की कमाई, इज्जत, आबरू सब मिट्टी में मिला दी बेटा। गंगा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें चलना चाहिए था। अंतिम समय तक वैद्य जी तुम्हारे नाम की रट लगाते रहे। बड़ा अभागा है बेचारा। यह अभागा नहीं, नपुसंग है, नपुसंग। मैं तो इसकी जगह होता डूब मरता डूब। इसको तो भेज दिया ससुराल, खुद यहाँ मजे उड़ा रहे थे। आशीर्वाद, सुना है तुम्हारे ससुर जी चल बसे? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ये भी सुना कि आपकी बहू नहीं चली थी? राम 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 राम, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ।
न कर बेटी, मैं ही तेरा पिता हूं। पिता? आप मेरे पिता? बेटी गंगा, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, परंतु क्या प्रभु? बेटी, तेरे पति ने तुझ पर संदेह किया है, उसके इस पाप का प्रायश्चित भी तुम्हें ही करना होगा। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? बेटी, तुम्हारे गांव के बाहर गोचर भूमि में एक नाग आकर गाय के स्तन से दूध पिएगा। उस जगह जब तुम्हारा पति खुदाई करेगा तो गंगा प्रकट होगी। उस गंगा में तुम दोनों स्नान करना, तुम्हारा पति 100 वर्ष जिएगा। अखंड सौभाग्यवती भव। हाँ
मुझे क्षमा कर दो भगवान, क्षमा कर दो। मेरे पाप का प्रायश्चित मैं करूंगा, दंड मुझे दीजिए। अब मेरी गंगा पर कोई आना है, उसने बहुत कष्ट उठाया प्रभु, अब उसे कष्ट ना दो। गंगा, गंगा। बाप बहुत बीमार था, उन्होंने बुला तो भेजा था लेकिन ये नहीं गई। उसने मेरे मंगल को भेज दिया पीछे से। आधी रात को हमेशा वो घर से बाहर जाती थी। कहाँ जाती थी, किसके पास, ये मुझे कुछ नहीं पता। पर मेरा मंगल जब वापस आया तो मैंने उसे सारी बातें बता दी। लेकिन लेकिन सरपंच जी, उसी दिन से मेरा मंगल लापता है। मेरा मंगल कहीं खो गया सरपंच जी। ये डायन मेरे मंगल को खा गई, उसने मुझे कहीं का नहीं रखा। बोलो पंचो बोलो, अब और क्या प्रमाण है। मैं ये प्रमाणित कर चुका हूं कि यह लड़की व्यभिचारिणी है, ये डायन है, इसने अपने पति की हत्या की है। मेरा आदेश है इसे जिंदा जलाए जाने का दंड दिया जाए। मैं एक और प्रमाण पेश करना चाहता हूं। मंगलदेव के पिता परमानंद जी महान ज्योतिष थे, उनकी तिजोरी से यह जन्म पत्रिका मिली और यह जन्म पत्रिका इसी लड़की गंगा की है। इसे स्वयं परमानंद जी ने अपने हाथों से लिखा। इस जन्म पत्रिका में जो लिखा है वो मैं पढ़कर सुनाता हूं। यह पुत्री बड़ी अशुभ घड़ी में पैदा हुई। जो भी लड़का इससे विवाह करेगा वह विवाह के बाद 5 वर्ष के भीतर भीतर मर जाए और यह लड़की विधवा हो जाए। पंचो, उस महान ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच निकली। इसके विवाह को 5 साल भी पूरे नहीं हुए और इसका पति मर गया और ये विधवा हो गई।
इसी ने अपने पति की हत्या करके इस भविष्यवाणी को सही प्रमाणित कर दिया। गंगा देवी, आपको कुछ कहना है? मेरे पति के जीवित तो आज आप ही नहीं हो रहे हैं। जी आप शांत रहिए। गंगा देवी, आपको एक अवसर और देता हूं, आपको कुछ कहना है? अच्छी बात है, हम तीन दिन तक आपके पति मंगलदेव की राह देखेंगे और चौथे दिन हम अपना निर्णय सुनाएंगे। तब तक आपको बंदी घर में रखा जाएगा। तीन दिन तक राह देखी लेकिन आपके पति नहीं आए। अब हम लाचार हैं, इससे प्रमाणित हो चुका है आपने ही अपने पति की हत्या की है। पंचायत एक मत से निर्णय देती है आपको जीवित जला दिया जाए।
I'm